एक सेकेंड, दोनों लोगों की आवाज को थोड़ा डाउन किया जाए। आराधा मिश्रा जी अपना पक्ष रखिए जल्दी से। चित्रा जी, कितनी बड़ी विडंबना है कि आज दोनों जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है वो अपनी अपनी पीठ ठोक रहे हैं, अपने अपना बचाव कर रहे हैं, जब 8 जवान उत्तर प्रदेश पुलिस के शहीद हुए हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि निकट के कई वर्षों में इस तरह की क्षति उत्तर प्रदेश पुलिस को पहुंची हो। उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज है। ये जो व्यक्ति है जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, ये इसके ऊपर 60 मुकदमे दर्ज हैं जो इसकी हिस्ट्री शीट है। आप मुझे बताइए कि इस मुश्किल से 7 किलोमीटर, मुख्यमंत्री के आवास से 7 किलोमीटर की दूरी पर इस व्यक्ति का अपना निजी एक नहीं दो मकान है लखनऊ में। वो इसी यहीं पे लखनऊ में रह रहा था। गांव में तो वो अभी कोरोना के समय गया था, इसके पहले तो लखनऊ में रह रहा था। जो मुख्यमंत्री लगातार विधानसभा में, मैं तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हूं, इसी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने लगातार ये बात कही कि आज उत्तर प्रदेश के अपराधी या तो जेल में हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं या ऊपर चले गए हैं। तो ये अगर 7 किलोमीटर दूर रह रहा था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही इसमें तय होनी चाहिए थी। अगर वो कह रहे हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस अपराध को लेकर के, तो क्या वो अधिकारी जो जिनका क्रियान्वयन करना था क्या वो नहीं कर पा रहे थे? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं तो कल गई थी, मैं देख करके आई उन 7 जो वहाँ पे पुलिस वाले घायल हुए हैं, कानपुर में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है। उनमें से 2 वरिष्ठ अधिकारी अपनी आप बीती बताते बताते रो पड़े थे। इट इज़ अ कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल क्रूएल मर्डर, मैं ये कहूंगी, जिस ब्रूटैलिटी से उन लोगों को मारा गया है वो ब्रूटल है। और उसके बाद भी आज लगभग तीन दिन होने को हैं और अभी तक पुलिस इतने शातिर अपराधी को पकड़ तक नहीं पाई। यही तो बड़ा सवाल है कि आखिर उसको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है। बड़ा सवालिया निशान। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से सुनील भराना जी, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन और अरविंद, मैं तुरंत उसके बाद आपके पास आऊंगी। सुनील भराना जी, क्या अभी भी किसी का वरदहस्त प्राप्त है, उसको आशीर्वाद है पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसके कारण 2 दिन बीत जाने के बावजूद, 60 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो पाई है, अभी तक गिरफ्त से बाहर है वो पुलिस के? मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हो, किसी का उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी ऐसा नेता नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आएगी। प्लीज अनुराग भदौरिया, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद लौटती हूं। मंत्री भारतीय जनता पार्टी ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जाकर के अपने उन वीरों को श्रद्धांजलि दी जाकर के मौके पर, और 1-1 करोड़ रुपए दिए आप किसी के आशीर्वादी भी सरकार होगी हमारी सरकार के अंदर, और उसको बहुत जल्दी हमारी सरकार। अनुराग भदौरिया, अगर आप साथ में बोलेंगे आपकी आवाज नहीं समझ में आएगी आप क्या बोल रहे हैं। प्लीज एक एक करके अपनी बात इनसे बोलिए, हमारे बीच में ना बोला जी, जब मैं बोलता हूं मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही थी अनुराग भदौरिया जी, सुनील जी से सवाल था मेरा, एक बार उनकी बात पूरी तो हो जाए। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वो अपराधी कितना भी बड़ा अपराधी हो, विकास दुबे को पाताल से निकाल करके लाएगी हमारी सरकार, हमारे अधिकारी निकाला जाएगा सर, कब निकाल देंगे, एक टाइम फ्रेम सेट करेंगे पाताल से निकालने के लिए उसको कोई। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, इतना भी बड़ा किसी भी प्रकार का कोई नेता, उसको संरक्षण अगर देगा उसको भी जेल के अंदर जाना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं, इस बात को हम पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का संकल्प है, उनको इतनी पीड़ा है इस घटना को लेकर के, हमारे जितने 8 के 8 वीर जो सपूत हमारे शहीद हुए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आज इतनी पीड़ा के साथ उनको रहना पड़ रहा है कि जब तक वो खोज कर नहीं निकालेंगे तो कोई अपराधी अगर पाताल में भी छुपा रहेगा ना, उसको ढूंढ निकाला जाएगा, हम उसको कब निकाल के लाएंगे, यही तो बड़ा सवाल है। यही तो बड़ा सवाल है, पुलिस वालों का हथियार भी वो लूट कर जा चुका है, अभी न जाने किस तरह का मनसूबा पाल कर वो बैठा होगा, अभी तक कोई जानकारी उसके पास नहीं है। सर 50,000। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।